जी फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की जो जॉब अपडेट है ना, बहुत अच्छी जॉब अपडेट होने वाला है फ्रेंड्स। और ये जो जॉब अपडेट आई है ना, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का ये रोल आपको निभाना है। देखो, यहाँ पे जो जॉब अपडेट मिलती है ना, बहुत अच्छी, यहाँ पे आपको सैलरी पिकस भी मिलेगी। आप वर्क फ्रॉम ऑफिस जो भी आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो। और जो क्राइटेरिया रहेगी उन लोगों की, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते रहना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करते रहना, क्योंकि इस तरह की वीडियो में हर रोज डालता रहता हूँ। तो देरी नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो जॉब अपडेट आई हुई है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट करके, यहाँ पे ये जॉब अपडेट टेक महिंद्रा की तरफ से आई हुई है। बहुत अच्छी कंपनी है टेक महिंद्रा, आपको पता ही है। और देखो, यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ओके, आप कैसे वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगी, आपको कैसे वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, कहाँ रिलोकेट होना है, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, ये पहले चीज़ है, यहाँ पे अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर आपका ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई या अंडर ग्रेजुएट हो अभी आप, तो डेफिनेटली ये आपके लिए जॉब है। यहाँ पे आप अप्लाई करोगी, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करो ऑफिस करो, आप कर सकते हो बहुत इजीली। देखो, सिंपल ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद में सैलरी पिकस भी आपको बताने वाला हूँ। देखो, सिंपल यहाँ पे अभी जो वर्क फ्रॉम ऑफिस नोएडा लोकेशन के अंदर ये हायरिंग चल रहा है, बट अगर आप चाहो तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं सैलरी पिकस की बात करूँ, 1.7 LPA टू 2.5 LPA तक आपको मिलेगी सैलरी। ओके, और उसके बाद आपको क्या क्या मतलब क्राइटेरिया रहती है इसके अंदर। क्राइटेरिया की बात करूँ तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग, ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशन आपके अच्छा रहने चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर सपोर्ट की जॉब रहती है। तो लोगों के साथ आप अच्छे से बात कर पाओ और लोगों की बात को आपको अच्छे से समझ पाओ, तो इसी मतलब काबिलियत आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जो कि सभी के पास मुझे लगता है। ओके, और उसके बाद गुड कंप्यूटर नॉलेज, गुड टाइपिंग स्पीड आपके पास होना चाहिए। आपके पास तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप वर्क करोगे, चाहे ऑनलाइन करो, सॉरी वर्क फ्रॉम होम करो या वर्क फ्रॉम ऑफिस करो, तो आपको सिस्टम के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके साथ गुड टाइपिंग स्पीड आपको पास रहना चाहिए। देखो, यहाँ पे वो लोग मेंशन भी किए हैं कितना आपका टाइपिंग स्पीड रहना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, बट उसमें ना 80% एक्यूरेट आप करोगे तो चल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत है, फ्लेक्सिबल टू वर्क 24/7 एनवायरनमेंट। आपको 24/7 के अंदर जब भी आपको शिफ्ट मिलती है, उसी शिफ्ट के हिसाब से आप वर्क करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये बेसिकली वर्क फ्रॉम ऑफिस की जॉब है, बट अगर आप चाहो ओके तो वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे कर सकते हो। ऑफिस की यहाँ पे आपको नॉलेज रहना चाहिए, जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों तो बहुत मतलब नॉलेज होना ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें के अंदर आपको वर्क भी वर्क करना पड़ेगा। बस ये इतना ही आपको चाहिए। उसके बाद देखो, मैं HR की मेल ID और उसका नंबर वगैरह मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा ना, उनको आप कॉन्टैक्ट करोगे, आपकी रिज्यूम सेंड करोगी और उसके बाद उनको मेल कर दो, तो आपको उनके उनके से ना कॉल वगैरह आ जाएगी, आपका इंटरव्यू हो जाएगी और आपको जॉब लग जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली ये जॉब को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।